प्रोनाउंस का एप्लीकेशन देखते हैं इस एक्सरसाइज में. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश. ब्रैकेट में दो ऑप्शंस हैं, दे और देम. अब यहां पे आप देखिए, जो वर्ड आप वहां पे फिल इन करने के लिए देख रहे हैं वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज होना है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह. वी स्कोर्ड, यहां पे वी एक सब्जेक्ट है. वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, जो डैश है वहां पे एक ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होना चाहिए. और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो दे और देम है, दे आपको पता है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और देम आपको पता है ये एक प्लूरल ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, और दोनों ही थर्ड पर्सन में है. सो वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम, राइट. सो इस केस में दे सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रमा एंड डैश वर प्रेजेंट. सो रमा एंड डैश वर प्रेजेंट. अब यहां पे जो डैश है वहां पे आपको एक सब्जेक्ट फिल इन करना है. सो अवेलेबल ऑप्शंस में से आई और मी में से सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है. जो सेंटेंस में हमें ब्लैंक में फिल इन करना है वहां हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है. सो रमा एंड मी नहीं, रमा एंड आई. अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, इवन वाइल राइटिंग या बोलने में भी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में भी ये मिस्टेक करते हैं. बोलते हैं माय फ्रेंड एंड मी वेंट फॉर अ मूवी, जो गलत है. माय फ्रेंड एंड आई वेंट फॉर अ मूवी, राइट. क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज होना है और आई यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. थर्ड सेंटेंस देखिए, कैन यू सिंग एज वेल एज. एज वेल एज एक ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको देखना है. ऑप्शंस देखिए, दे और देम. दे हमने देखा था कि प्लूरल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, और देम प्लूरल थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट. सो यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए. सो इन दोनों में से ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ब्लैंक में हमारा ऑब्जेक्ट फिल इन होगा. वेट फॉर हरी एंड वेट फॉर हर. वेट फॉर, आप किसी को बोल रहे हैं, वेट फॉर हरी एंड वहां एक ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होगा. अगेन आई और मी में से ये सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है. सो हरी एंड मी. तो अगर आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क. पंक्चुएशंस आप मिस मत करिएगा, क्योंकि पंक्चुएशंस आपको बताता भी है कि सेंटेंस का टोन क्या है, राइट. रवि इज एज ओल्ड एज डैश. अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में अप्लाई किया था. रवि इज एज ओल्ड एज आई और मी. आई एज अ सब्जेक्ट है, मी एज एन ऑब्जेक्ट है. एज ओल्ड एज मी. सो अगेन यही चीज आप ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. सो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल थॉरो होना जरूरी हो जाता है, ताकि आप प्रोनाउंस को सही तरह यूज करें. और इन चीजों का एप्लीकेशन फाइंडिंग एरर्स क्वेश्चन टाइप्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन टाइप्स में आ सकता है. सो प्रैक्टिस करते रहिए. एक और एक्सरसाइज देखते हैं प्रोनाउंस का यूसेज और बेहतर समझने के लिए.